हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में और इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 11th सेकंड वाला चैप्टर मात्रक और विमा, उसमें मेन चीज भौतिक राशियां क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह हमने देखी लास्ट वाली क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियों की, कौन कौन सी मात्रक पद्धतियाँ हैं उनके बारे में अपन जानेंगे और वो मात्रक पद्धतियाँ कहाँ से आई, उनके कौन कौन से मेन मात्रक हैं वो उनमें शामिल किए गए हैं, उन सभी की अपन डेफिनेशन वगैरह है वो आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ किससे, विभिन्न मात्रक पद्धतियों से। देखो बच्चों, मात्रक क्या थे वो हमने लास्ट वाली क्लास में देखे कि विभिन्न भौतिक राशियों के लिए जो तय किए गए नियत मान हैं उनको हम मात्रक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर लंबाई की बात करें तो मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, अलग अलग प्रकाश वर्ष, पारसेक वगैरह, ये सारे लंबाई के अलग अलग मात्रक हैं। तो कौन सी पद्धति में किस चीज को किस में मापा जाएगा, पहले उससे शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें निकल के आई थी, मात्रक निकल के आए थे, विमा निकल के आई थी, चीजों को मापने की प्रक्रिया हुई थी, तो शुरुआत हुई थी फ्रांस से और ब्रिटेन से। तो सबसे पहले अलग अलग पद्धतियां हैं वो विकसित की गई थी और उनमें सबसे पहले जैसे एक पद्धति आई थी सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति ये सबसे पहले पद्धति थी। अब इसमें आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज तो ये थी किसकी, कौन से कंट्री की थी, तो ये जो थी वो थी फ्रांस की, यानी जो फ्रांस था उसने अपनी खुद की पद्धति विकसित की थी और जिसको नाम दिया गया सीजीएस पद्धति। अब देखो बच्चों, यहां सी का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी का मतलब है यहां पर ग्राम और एस का मतलब है सेकंड। बस केवल इतना याद रखना है कि वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को किसमें सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, वो बच्चों कौन सी पद्धति है, सीजीएस पद्धति। सेकंड जो पद्धति आई हमारे पास वो थी एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, और ये जो पद्धति थी वो थी ब्रिटेन की, यानी इसको ब्रिटिश भी कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि फ्रांस वाले लोग जो थे वो दूरी को किस में मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किस में मेजर करते थे, ग्राम में, समय को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। उसके बाद जो ब्रिटिश लोग आए थे तो ब्रिटिश लोगों ने अपनी खुद की यूनिट सिस्टम है उसको डिराइव किया, उसमें वो दूरी को किस में मेजर करने लग गए, फुट में, पी यानी द्रव्यमान को मेजर करने लग गए पाउंड में, और समय को मेजर करने लग गए वो सेकंड में। तो वह मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, कौन सी पद्धति कहलाती है, एफपीएस पद्धति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आई हमारे पास एमकेएस पद्धति, और बच्चों हम फिजिक्स में जो यांत्रिकी है उसमें हम इसी का यूज करते हैं, जितने भी सारे न्यूमेरिकल वगैरह जब हम सॉल्व करते हैं तो वो एमकेएस पद्धति में ही सॉल्व करते हैं या फिर उनको ऐसा ही मात्रक में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करते हैं। यहां एमकेएस का मतलब क्या है, तो एमकेएस पद्धति एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड, यानी वो मात्रक पद्धति जिसमें दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है, वो कौन सी पद्धति हो गई, एमकेएस। ये तीनों याद हो जाएंगी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब देखो बच्चों हुआ क्या, इसके बाद में जब, और ये तो तीन मैन थी, और भी हर कंट्रीज की अपनी अपनी पद्धति हुआ करती थी, वो अपने अपने सिस्टम से चला करता था। अब हुआ क्या, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जैसे उदाहरण के लिए मान लो हम फ्रांस के साथ कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो फ्रांस के साथ कुछ एक्सचेंज करेंगे, अपन किसी चीज को मेजर करके दे रहे हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, सामने वाला उसको कन्वर्ट करेगा उसको ग्राम में, ऐसे चलो किलोग्राम और ग्राम ये सारी चीजें तो कन्वर्ट हो जाती है, इजिली कन्वर्ट हो जाती है। बट जब अगर अपन ब्रिटिश के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो ब्रिटिश की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन में
वहां द्रव्यमान को, आज भी वहां पर यह चीज चलती है, वहां पर द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, पाउंड में मापा जाता है, जबकि हम नॉर्मली द्रव्यमान को किस में कंसिडर करते हैं, केजी में कंसिडर करते हैं। तो एक दूसरा, एक देश दूसरे देश के साथ जब आपस में कम्युनिकेट करता है तो उनमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसको दूर करने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, एक संगठन का निर्माण किया, एक संस्था का निर्माण किया और उसको नाम दिया गया SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट जो पद्धति थी वो थी हमारे पास SI पद्धति। SI पद्धति ये था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अंतरराष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो जो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, तो उसने एक समिति बनाई और उस समिति ने इस संगठन का निर्माण किया, इंटरनेशनल सिस्टम। और संगठन के निर्माण के बाद में उन्होंने एक कॉमन कि सारे जो देश हैं वो फॉलो करेंगे किसको, SI पद्धति को। अब SI पद्धति जो थी ये क्या थी, ये एक तरीके से MKS पद्धति का ही विस्तृत वर्जन था। और मैंने जो चीज इसमें किया गया, जिस वैज्ञानिक ने जिस राशि को खोजा गया, तो वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए इसमें वैज्ञानिकों को सम्मान दिया गया, और जो भौतिक राशि जिस भी वैज्ञानिक ने खोजी उसका जो मात्रक है वो उसी वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया गया। जैसे उदाहरण की बात करें बल, तो बल, बच्चों बल का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का, तो बल का मात्रक भी क्या रख दिया, फाइनली न्यूटन। तो न्यूटन जो है वही आज हम यूज करते हैं, तो न्यूटन बल का कौन सा मात्रक है, SI मात्रक है। कार्य को किसने खोजा, कार्य का मात्रक रख दिया गया जूल, यानी उन साइंटिस्ट के आधार पे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, आवेश कूलाम, धारा एम्पियर, तो ये जितने भी सारी चीजें थी, यानी जिस वैज्ञानिक ने जिस भौतिक राशि को खोजा उनको सम्मान देने के लिए फाइनली क्या रख दिया गया, SI सिस्टम रख दिया गया। और आज सभी देश इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी SI सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। तो इस SI सिस्टम की कुछ मेन विशेषताएं थी, वो विशेषताएं कौन कौन सी थी। सबसे पहली बात तो करें कि इसको सन 1960 में, 1960 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो जो है उसके द्वारा अनुमोदित किया गया। दूसरी चीज, ये MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप था। कैसे, देखो अगर मैं बात करूं बल की, हम जानते हैं बच्चों बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये चीज क्लियर, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। एफ बराबर हम लिखते हैं एम इंटू ए। अगर मैं एक बार MKS मात्रक लिखूं किसका, बल का, तो MKS पद्धति में बच्चों द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, किलोग्राम में, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो बल का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, वेग बटा समय, वेग का हो गया मीटर बटा सेकंड, उसमें सेकंड का ही और भाग देना है तो वो हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर को ही बच्चों नाम दिया गया न्यूटन, इसी को नाम दिया गया न्यूटन। इसका मतलब ये MKS पद्धति का ही एक्सटेंडेड वर्जन था। दूसरी चीज मैं बात करूं कार्य की, तो कार्य बराबर आप जानते हो कि बल गुणा विस्थापन होता है, बल गुणा विस्थापन। अब MKS में यदि मैं इसका मात्रक बनाऊं, तो बल का तो हमने बनाया ही था ना, भी ये रहा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन यानी दूरी, दूरी किसमें मापते हैं, मीटर में। तो कार्य का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसी को नाम दे दिया गया जूल। तो जूल उसका कौन सा मात्रक हो गया, SI मात्रक। यहां कौन सा मात्रक हो गया, ये MKS मात्रक। अगर मैं आपको कहूं कि एक बार इसको CGS में कन्वर्ट करें, तो CGS में कन्वर्ट करोगे तो KG की जगह तो क्या जाएगा, ग्राम, मीटर स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। अब देखो इसको तो हम जूल बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम जूल नहीं बोल सकते,
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम जूल नहीं बोल सकते, मतलब सीजीएस पद्धति का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं था, किसका था वो एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप था। नेक्स्ट अपन बात करें, यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, रेशनल सिस्टम है, अर्थात एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होता है। परिमेयकृत पद्धति का मतलब यह हुआ कि इसमें एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रक होगा। कैसे बच्चों? जैसे देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले कार्य की, तीन चीजें हैं। जब हम उष्मा गति की बात करते हैं, उष्मा गति की, तो बच्चों उष्मा गति की में उष्मा का जो मात्रक लिया जाता है वो क्या लिया जाता है? कैलोरी। जब अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी में कार्य का मात्रक क्या लिया जाता है? जूल। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऊर्जा होती है उसका जो मात्रक लिया जाता है वो लिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक ही चीज, उष्मा ही कार्य है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही उष्मा है। अब ये तो चीज किसमें हो गई कि चीज एक ही है लेकिन उनके मात्रक हैं वो क्या हैं? अलग अलग हैं। कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा ही पद्धति क्या कहती है कि इन सारी राशियों का या ये जितनी भी सारी राशियां उष्मा कार्य ऊर्जा, इन सब का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा? जूल ही होगा। एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक। जैसे लंबाई की बात करें अपन, तो लंबाई बच्चों हम किस किस में माप सकते हैं? पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, फिर माइल हो गया, और उसके बाद में और सारे मात्रक, पार्सेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया। अलग अलग मात्रक हैं एक ही चीज के, लेकिन ऐसा ही सिस्टम कहता है कि आपको यदि लंबाई मापनी है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? मीटर को ही मानना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आई? परिमेयकृत पद्धति का मतलब यह हुआ कि एक राशि का एक ही मात्रक होगा। चलो, यह मेट्रिक या दशमलव पद्धति है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं बात करूं भैया एफपीएस की, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, तो आपको पता है कि 12 इंच जब मिलकर बनती हैं, 12 इंच, और वो मिलकर बनाती हैं एक फुट, और 3 फुट जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं एक यार्ड। तो ऐसी स्थिति में देखो, कोई 10 की घात, दशमलव पद्धति का मतलब जो भी होंगे वो 10 की घात में होंगे। तो बाकी जो सिस्टम चलता है, जैसे सीजीएस हो गया या एफपीएस सिस्टम हो गया, इन सिस्टम में ये चीज नहीं होती, 10 की घात में नहीं, अलग अलग नंबर होते हैं, 12 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से हो गए। लेकिन जब अपन बात करते हैं किसकी, ऐसा ही पद्धति की, वहां इजी है, एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। कैसे? 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में बच्चों कितने? 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर में अगर हमसे पूछा जाए कि सेंटीमीटर कितने, तो 10 की घात 5 सेंटीमीटर। अगर अपने से पूछा जाए 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने, तो 10 की घात 6 मिलीमीटर। इजी है ना कन्वर्ट करना? यानी सब कुछ जो चलेगा वो किस में चलेगा? 10 की गुणा में चलेगा। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो वो चीज भी इसी तरीके से कन्वर्ट होती जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दशमलव पद्धति जो है, उस दशमलव पद्धति में कन्वर्ट करना आसान होता है क्योंकि वो 10 की घात में चलता है। अब बात करें इसमें मात्रकों की, ऐसा ही पद्धति में टोटल मिलाकर कितने मात्रक हैं? 7 तो हैं बच्चों मूल मात्रक और 2 हैं पूरक मात्रक। इनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 हैं वो पूरक मात्रक हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे। यह मात्रकों की एक संबद्ध पद्धति है, कोहरेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक, सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक केवल मूल मात्रकों को गुणा और भाग करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, जैसे बात करें अपन बल की, अभी बात कर रहे थे बल, तो बल, तो बल क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब यदि यहां की मैं बात करूं तो बल, बल का मात्रक क्या हो गया भाई? एसआई की बात करूं, न्यूटन।
द्रव्यमान का क्या हो गया मीटर, सॉरी द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, और त्वरण का क्या हो गया मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसमें भौतिक सभी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो केवल मूल मात्रकों को गुणा भाग करके प्राप्त आ सकते हैं। केजी कौन सा मात्रक है भाई, मूल मात्रक। मीटर कौन सा है, मूल मात्रक। सेकंड कौन सा है, मूल मात्रक। अगर मूल मात्रकों को गुणा भाग करवाएंगे तो बल कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक। कहने का मतलब सभी जो व्युत्पन्न मात्रक हैं वो कैसे मिलेंगे, मूल मात्रकों के गुणा भाग से। कि अगर मूल मात्रकों को हम गुणा भाग करवाएंगे तो हमारे पास कौन से मात्रक आ जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक आ जाएंगे। तो ये तो थे ये सारी चीजें। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, हमारे पास जो मूल मात्रक हैं उनकी। तो बच्चों टोटल मिलाकर हमारे पास 9 मात्रक हैं, और इन 9 मात्रकों में 7 जो है वो तो है मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक। अब ये 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, पहले इनके बारे में बात कर ले। देखो इधर ले लिया मैंने क्रम संख्या, ये ले लिया मात्रक, फिर अपन बात कर लेते हैं, या भौतिक राशि का नाम ले लो पहले। ये हो गया भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि का नाम, फिर अपन ले लें उसका मात्रक, और लास्ट में ले लें उसका सिंबल यानी प्रतीक। तो अब यदि यहां पर बात करें तो ये जो 7 मूल मात्रक है किसमें है, ये एसआई पद्धति में है। एसआई पद्धति में टोटल 9 मात्रकों को रखा गया जिसमें 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। तो सबसे पहले तो 7 कौन कौन से हैं हमारे पास उनको देख लें। और ये 7, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने द्रव्यमान से। एक हो गया बच्चों द्रव्यमान, एक हो गया लंबाई, एक हो गया समय, एक हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, एक हो गया ताप, एक हो गया प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, और एक हो गया पदार्थ की मात्रा। ये टोटल मिलाकर हमारे पास कितनी भौतिक राशियां होगी, टोटल 7 हो गई। इनके मात्रक क्या हैं, द्रव्यमान को मापा जाता है, एसआई पद्धति की बात कर रहा हूं मैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान को लिया जाएगा किसमें, किलोग्राम में। लंबाई को किसमें लिया जाएगा, मीटर में। समय को किसमें लिया जाएगा, सेकंड में। विद्युत धारा को किसमें लिया जाएगा, एम्पियर में। ताप को किसमें लिया जाएगा, केल्विन में। वो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट उसके एसआई मात्रक नहीं है, ताप का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता को किसमें मापा जाएगा, कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को किसमें मापा जाएगा, मोल में। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसे लिखे जाएंगे, किलोग्राम को केजी से, मीटर को एम से, सेकंड को एसी सी से या फिर एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सी डी से और मोल को एम ओ एल से। तो ये क्या हो गए, इनके प्रतीक चिन्ह। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, एक किलोग्राम कितना होता है, एक मीटर कितना होता है, एक सेकंड कितना होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक। कि इनके अलावा 2 मात्रक और हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है बच्चों समतलीय कोण का मात्रक। तो समतलीय कोण, और उसका मात्रक रखा गया है रेडियन, जिसको आर ए डी के प्रतीक चिन्ह से नोट किया जाता है, आर ए डी। और एक है घन कोण, घन कोण या ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल जिसको कहा जाता है। और इसका जो मात्रक रखा गया है पूरक मात्रक वो है स्टेरेडियन, और उसको लिखा जाता है एस आर से। तो ये 2 पूरक मात्रक हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है उनको देख ले एक बार, देखो किस तरीके से। इसके बाद अपन बात करते हैं जो हमारे पास मात्रक थे। ऐसा ही पद्धति में कितने मूल मात्रक लिए गए, 7, और कितने पूरक मात्रक थे, 2। तो इनकी डेफिनेशन क्या है,
अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो डेटा होता है वो, पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रटने वाली चीजें होती है, ना ही तो अपने को रटना है ना ही अपने को ये चीजें जाननी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी। कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक मीटर की परिभाषा लिखिए, कभी नहीं पूछा जाएगा कि एक सेकंड की परिभाषा लिखिए, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बुक में दी हुई है तो एक बार इनको थोड़ा सा ब्रीफली देख लें कि जो सात मूल राशियां मैंने आपको बताई कौन कौन सी थी, द्रव्यमान हो गया था, लंबाई हो गया, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रकाश की तीव्रता और लास्ट वाला था पदार्थ की मात्रा। उनके जो सात मात्रक हैं कौन कौन से बच्चों, एक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैल्विन, कैंडेला और मोल, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले एक मीटर, हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की जो स्पीड होती है, प्रकाश इस स्पीड से चलता है बच्चों, वैसे ये 2.999 समथिंग होता है, इसलिए इसको तीन कंसीडर कर लिया जाता है। 3×10^8 मीटर एक सेकंड में चलता है प्रकाश, तो फिर एक मीटर कितने में चलेगा, 1/3×10^8। एक मीटर दूरी वो मात्र इतनी सी देर में कवर कर लेता है, यही एक मीटर की परिभाषा होगी। देखो, वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में 1/200, ये यही चीज है, 3×10^8 है, इसी को 2.999 समथिंग लिखा जाता है। तो निर्वात में इतनी सेकंड में जितनी दूरी वो तय कर लेता है उसे क्या कहा जाता है, एक मीटर कहा जाता है। क्लियर। एक किलोग्राम कितना होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कार्बन 12 के इतने परमाणुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, 5.0 परमाणु जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है, अगर इतने परमाणुओं को 5.018 8×10^10 यहां देखो बच्चों 25 बहुत ज्यादा, इतने परमाणुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, उनका द्रव्यमान नापा जाए तो कितना आएगा, 1 kg आएगा, 1 kg आएगा। ऐसे ही एक सेकंड की परिभाषा, तो एक सेकंड कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको पहले बताया था कि ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं कि एक सेकंड कितना होता है, एक मीटर है वो कितना होता है, इनको पहले से ही फिक्स कर दिया। बाद में अगर कभी ये चीज अपने को वापस, मान ले सारे भूल जाएं कि एक मीटर कितना होता है, तो अगर वापस उसको निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए इन चीजों को डिफाइन किया है। तो देखो, एक सेकंड वह समय जिसमें सीजियम परमाणु, जो एटमिक वॉच होती है, परमाणु की घड़ी होती है, उसमें जब इतनी बार कंपन कर लेता है, 9, 192, 631, 770 बार जब वो सीजियम का परमाणु परमाणु की घड़ी में, एटमिक वॉच में जब इतने कंपन कर लेगा, तब जाके कितना टाइम होगा, एक सेकंड होगा। ऐसे ही एक एम्पियर, एक एम्पियर की परिभाषा, तो एक एम्पियर क्या है, वह विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो कैसे तार हो, सीधे, समांतर और अनंत लंबाई के, कि अगर दो अनंत लंबाई के हमारे पास धारावाही चालक तार हैं, उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, और अगर उनके मध्य प्रति एकांक लंबाई पर कितना, 2×10^-7 न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित होता है, तो बच्चों इन तारों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है, वो 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। एक केल्विन, एक केल्विन क्या है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, जिस पर पानी उबलता है, गलनांक जिस पर पानी जमता है, तो हमें जानते हैं कि जमता तो 0 डिग्री पर है और उबलता 100 डिग्री पर है, दोनों के अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 100, उसका 1/100 भाग, तो 100 का 1/100 गुणा कितना आ गया, 1, वो क्या होता है, 1 केल्विन होता है। देखो, क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस के अंतर यानी 100 का 1/100 भाग, तो 100 का 1/100 भाग कितना, 1, तो वो क्या हो गया, 1 केल्विन की परिभाषा हो गई। ऐसे ही बात करें एक कैंडेला, 1 cd, कैंडेला किसका, ज्योति तीव्रता, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, प्रकाश में जितनी चमक होती है वो उसकी तीव्रता होती है। तो एक कैंडेला की परिभाषा, कर्षणिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/60,000 m² क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कर्षणिका का दाब कितना, 101/325 N/m² और ताप जो है वो प्लेटिनम के गलनांक के समान हो,
तो ये एक केंडेला की परिभाषा। ऐसे ही एक मोल को परिभाषित किया जाता है कि पदार्थ की वो मात्रा जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी होती है जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कार्बन जो है उसको हम लिखते हैं 6C12, 6 कार्बन 12। और आप जानते हो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं, एक मोल होते हैं। कि 12 ग्राम कार्बन को हम इकट्ठा कर देंगे तो उसमें एक मोल होंगे और एक मोल में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या होती है, ये भी आप जानते हैं, 6.023 × 10³³ होती है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, एक मोल की होगी। चलो ये तो हो गए हमारे पास 7 जो एसआई मात्रक थे, मूल मात्रक थे, उनकी परिभाषाएं। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पूरक मात्रकों की। तो पूरक मात्रक जो है वो कौन कौन से हैं, दो हैं देखो हमारे पास, एक तो कौन सा है रेडियन और एक कौन सा है स्टेरेडियन। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, रेडियन की। रेडियन क्या है, किसका मात्रक होता है, कोण का होता है, कौन सा कोण, जो जनरली जो समतल वाला कोण, 2D वाला जो कोण होता है वो कैसे बनेगा। ये मान लीजिए कोई वृत्त है भाई, गोला नहीं है, वृत्त है, और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई R मान लें। कोई भी इस वृत्त का एक चाप मान लूं, ये एक चाप हो गया, चाप की लंबाई मैं ले लेता हूं बच्चों कितनी, ds है, और ये जो चाप इस वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बना रहा है d थीटा, ये तो है कोण। और आप जानते हो कि समतलीय जो कोण होता है, उस समतलीय कोण का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों चाप बटा त्रिज्या। कोण का यही तो पढ़ा आज तक हमने, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। अगर यहां से मैं इस चीज को लिखूं कि कोण को तो मैंने लिख दिया d थीटा से, चाप क्या हो गया ds और त्रिज्या कितनी हो गई r। अब हमें तो एक रेडियन की परिभाषा देनी है, रेडियन किसका मात्रक हो गया, कोण का। देखो यदि ds बराबर r हो तो d थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 1 रेडियन। तब d थीटा का मान, अगर ds और r दोनों बराबर हो गए तो d थीटा का मान कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया। क्या परिभाषा हुई यहां से, अब इसी चीज को तो परिभाषा में डिनोट कर देंगे। देखो वह समतलीय कोण जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप उस वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, कि अगर इस चाप की लंबाई और अगर ये इस वृत्त की त्रिज्या अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो ये जो यहां पर कोण बनेगा उस कोण का मान 1 रेडियन होगा। अगर वृत्त का चाप अगर उसकी त्रिज्या के समान है तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण 1 रेडियन होगा। और जनरली हम जो कोण मानते हैं वो मानते हैं डिग्री में लेते हैं अपन, तो 0 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री। यहां क्या रिलेशन है, डिग्री जो है वो ऐसा ही मात्रक नहीं है कोण का, ऐसा ही मात्रक क्या है, रेडियन है। तो इनमें संबंध क्या होगा, हमेशा याद रखना बच्चों 360 डिग्री, ऐसे लिख दूं 360 डिग्री में 2π रेडियन होते हैं, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। तो अगर हमें 1 रेडियन में डिग्री देखने हैं तो कैसे निकालोगे, तो 1 रेडियन बराबर 2π का भाग दे दो, 360/2π डिग्री, 1 रेडियन बराबर 360/2π डिग्री कितना हो गया, 180/π डिग्री, ये होते हैं 1 रेडियन में। ऐसे ही अगर 1 डिग्री में रेडियन देखने हैं तो क्या कर देना, इधर भाग दे देना, 1 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 2π/360 रेडियन। तो इस तरीके से रेडियन और डिग्री को आपस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री में कितने रेडियन, 90 डिग्री में कितने रेडियन हुए, अगर ये अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो यहां पर लगाओगे कि हम जानते हैं एक एक नियम कि 360 डिग्री में कितने भाई, 2π रेडियन, 360 डिग्री में 2π रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने, 2π/360,
अपने से कितने में पूछा जा रहा है, 90 में, तो 90 डिग्री में कितने हो गए, 2 पाई बटा 360 गुणा 90, 9 चौक 36 और यह आ गया पाई बटा 2 रेडियन। तो 90 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई बटा 2 रेडियन। ऐसे किसी भी डिग्री में रेडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी रेडियन में डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बच्चों किसकी, एक रेडियन की। फिर अपन बात करते हैं स्टे रेडियन की। तो रेडियन तो किसका मात्रक हो गया, समतलीय कोण का, और स्टे रेडियन किसका हो गया, ठोस कोण का या घन कोण का मात्रक। क्या है देखो स्टे रेडियन की परिभाषा, मान लो अब यहां तो क्या था, ये वर्त था। अब मैं ले रहा हूं एक गोला, एक तरबूज है, और उस तरबूज को अगर हमें चेक करना है कि वो अंदर से रेड है या नहीं है, तो क्या करते थे, उसके ऊपर एक ऐसा चीरा लगाते थे। ये मान लीजिए एक गोला है भाई, और मान लो तरबूज है, और इसे हमें चेक करना है कि अंदर से कैसा है, रेड है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इस तरीके का चीरा लगाएंगे, इस तरीके का, उसकी सतह के ऊपर। ये उस गोले का केंद्र हो गया बच्चों। अब देखो ये जो चीरा हमने लगाया है, उसकी ऊपर से देखने पर उसकी आकृति कैसी होगी, एक तरीके से रेक्टेंगल, आयताकार। तो आयताकार है तो यहां पर ये इस प्रकार की शेप बनाएगा, इस प्रकार की आकृति वहां पर बनाएगा उस गोले के केंद्र पर। अब अगर इस टुकड़े की हम बात करें तो उस टुकड़े में कितनी फलक हो गई, ये देखो एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इधर से, एक इधर से, टोटल कितनी फलक होगी, चार। और वो चारों फलक उसके केंद्र पर ये जो एक कोण बनाएंगी यहां पर पूरा का पूरा इस तरीके से, इसी को बोलते हैं ठोस कोण। कि वो जो चारों फलक हैं उसके केंद्र पर ये जो कोण बना रही हैं इस तरीके का, तो वो जो इस तरीके का कोण होगा उस कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब सबसे पहले तो उस ठोस कोण की परिभाषा देख लें भाई। ठोस कोण जो होता है, इस सिंबल से इसको लिख दिया, ठोस कोण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है अभिलंबवत, अभिलंबवत प्रस्थीय क्षेत्रफल, प्रस्थीय क्षेत्रफल और बटा त्रिज्या का स्क्वायर। अभिलंबवत प्रस्थीय क्षेत्रफल और बट्टे में क्या आ गया, त्रिज्या का स्क्वायर। समतलीय कोण का फॉर्मूला क्या था, चाप बटा त्रिज्या, और ठोस कोण का फॉर्मूला होता है अभिलंबवत प्रस्थीय क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या तो यहां से लेके यहां तक, त्रिज्या तो मैं इसकी ले लेता हूं बच्चों आर, और ये जो इसका प्रस्थीय क्षेत्रफल है, वो जो पीस हमने बाहर निकाला है, उस पीस का ये जो हरे रंग का भाग होता है तरबूज का, ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल डी ए ले लेता हूं। तो अभिलंबवत प्रस्थीय क्षेत्रफल, ये हरे रंग का टुकड़ा, केवल उस टुकड़े की बात कर रहा हूं जिसका कलर हरा है, वो तो कितना हो गया डी ए, और अंदर से यहां से लेकर उस गोले के केंद्र के जो दूरी हो गई वो कितनी है आर। तो फिर ठोस कोण डी ओम बराबर अभिलंबवत प्रस्थीय क्षेत्रफल डी ए और बटा त्रिज्या का स्क्वायर, ये हो गया डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और देखो यदि डी ए बराबर अगर आर स्क्वायर ले लिया जाए, अगर डी ए बराबर आर स्क्वायर हो तो ठोस कोण का मान, डी एर आर स्क्वायर कट गए आपस में, क्या आ गया एक स्टे रेडियन। उस स्थिति में उस ठोस कोण का मान कितना हो जाएगा, एक स्टे रेडियन हो जाएगा। और यहीं से एक स्टे रेडियन की परिभाषा है वो दे दी जाती है। तो क्या परिभाषा हो गई, वह ठोस कोण जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग, गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान हो, और वो गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा, जितना ठोस कोण आंतरित करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टे रेडियन बोलेंगे। क्लियर। अब यहां तो चलो हमने केवल इतना ही क्षेत्रफल लिया था, अगर मैं पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लूं,
इस पूरे गोले का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बच्चों आप पढ़ के आए हो क्लास टेंथ में, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr2। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए भैया dA का मान कितना हो जाएगा? 4πr2 हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 4πr2। और उस स्थिति में जो ठोस कोण हम निकालेंगे, तो ठोस कोण बराबर dA की जगह क्या रख दिया? 4πr2। किसका भाग दे दिया? r2 का। r2 से r2 कट गया, कितना आ गया? 4π। 720 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर का जो घनकोण होता है वो कितना होता है? 720 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें हैं वो सोल्व कर लेंगे। 7 मूल मात्रक थे उनकी डेफिनेशन देख ली, 2 पूरक मात्रक थे उनकी डेफिनेशन देख ली, बाकी का अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।